अस्सलाम वालेकुम। सर ये है काजीज वाले सर भाई थोड़ा सा आगे आए हैं सरपरस्ते आला सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी साहब विजिट कर रहे हैं काजी कैटल्स फार्म नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में। क्या शान है अल्लाह की रहमान भाई और रहमान भाई क्या शौक आपने पाला है? ये बच्चों का शौक है ये बच्चों का शौक है तो हम अपना तजर्बा इनको दे रहे हैं अपना एक्सपीरियंस जो है ट्रांसफर कर रहे हैं इनको बस और कोई इनका जो जानवरों को पालना है मेजबान लोग और ये बताते नहीं ये जानवर ने क्या बताना लेकिन इसका खुलासा ये है कि यौम नहर ईद के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में अगर जो पैसा खर्च किया जाता है सबसे ज़्यादा मकबूल पैसा वो है जो अल्लाह की राह में कुर्बानी खर्च किया जाए और फिर ये भी फरमा दिया गया कि अल्लाह की बारगाह में अच्छी चीज़ तो जो है कुर्बान किया जाए। अब जहाँ तक रियाकारी का मामला है उसका ताल्लुक दिल से है। अगर बंदा जो है 7 दरवाज़ों में छुप कर भी रियाकारी करे तो रियाकारी हो जाती है और अल्लाह एहरान करे तो ये कोई रियाकारी नहीं होती अगर दिल में ना हो तो। जैसे कि असहाबे रसूल से के साबित है कि बाकायदा अपने जानवरों को गलियों में फिराते थे ताकि लोगों को पता चले कुर्बानी के दिन आ गए। तो जो जानवर खरीद रहे उनको यही चाहिए कि खुश दिली से खरीदें दिल में ये तमन्ना करें कि हमारी सवारियाँ बनेंगे। सवारी कब बनेगी? जब रियाकारी दिखलावा नहीं होगा। तो हम जो जानवर देंगे खरीद रहे होते हमें उनको रियाकार समझना नहीं चाहिए क्योंकि रियाकारी रियाकार समझना
दिखला समझना, ये समझना हमें गुनाह कराता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान फरमाता है कि जन से बचो। तो जो बहरहाल मेरी तमन्ना ये है, हम सब की तमन्ना ये है कि हमारी कुर्बानी कबूल हो। जो लोग बदगुमानी करते हैं वो अपनी इस्लाह कर लें। ये जो लोग खर्च कर रहे होते हैं, हमारे आका का फरमान है। हाँ, ये अलग बात है, किसी की ताकत रुपये की है तो रुपये कितना खर्च करें, किसी की ताकत एक अरब की तो एक अरब का खर्च करें। साहब, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट भी बहुत सारे काम कर रहा है, इज्तिमाई कुर्बानी भी करता है, ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डाल दीजिए। आप लाइव जा रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है आपको, कुछ रोशनी डालना चाहें। देखिए, हमारा इदारा जो है ये तमन्ना रखता है कि साल भर जो गोश्त की नेमत से महरूम है उन तक गोश्त पहुँचाए। हमारा इदारा शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गरीबों के लिए कुर्बानी करता है। ये अलग बात है कि हम लोगों को हिस्सा कुर्बान का हिस्सा देते हैं, मगर ये कि हमने एक फिक्स कर दिया है कि आप अगर हमसे गाय का हिस्सा लोगे तो हम आपको सिर्फ 10 किलो देंगे, और एक गाय पे गोश्त निकलता है 100 किलो। 7 आदमी को हम 10 देते हैं, 30 किलो बच जाता है, वो हमारे गरीबों में काम आता है। और एक हमारी कुर्बानी होती है फी सबीलिल्लाह, उसमें 1 किलो भी गोश्त देते हैं हम, वो सारा का सारा गरीब हो जाता है। तो हमारी बुनियादी तमन्ना ये है कि जो कौम गोश्त की नेमत से महरूम है उसे गोश्त पहुँचाया जाए। और अल्लाह ताला के दीन ने हमें सिखाया है कि इस्लाम में फ़राइज़ के बाद, नमाज रोज़े के बाद अगर कोई सबसे बड़ी नेकी है तो किसी मुसलमान का दिल खुश करना नेकी है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश करने की जैसे करते हैं, जो हमारा दिल है, जो हम ज़बान से कह रहे हैं, हमारा दिल भी कहता है कि हम ऐसा ही कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा सर, ये भी फरमा दीजिए कि इस मवेशी मंडी में चारों सूबों से व्यापारी आए हैं अपने जानवर लेकर, तो ये जो नुसरत के लिए आए हैं, इनके दरवाजे पर, इनकी दहलीज पर जानवर लेकर, तो इनके लिए क्या आजर है? देखिए, इस पर तो कोई कलाम नहीं कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाह रिस्कुहा। कायनात के हर जर्रे पे मैंने अपने बंदों को रिस्क देना है ना। अब वो मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से यहाँ लेकर आए तो हमारे ये मेहमान हैं, तो अहले कराची को चाहिए कि इनकी दिलजोई के लिए अपना पैसा खर्च करें। और याद रखिएगा, अल्लाह की राह में जो पैसा खर्च किया जाता है, कुरान कहता है कि हमारी राह में देने वाले की मिसाल ये है कि मसल हब दाना, और जब एक दाना बद्दा ज़मीन डालता है तो इसमें से मियत तो हब्बा 100 दाने पैदा होते हैं एक बाल में। तो अल्लाह ताला की रहमत से एक दाने से 700 दाने अल्लाह ताला पैदा फरमाता है। तो हम तो यही कहेंगे जो लेकर जानवर लेकर आए पाकिस्तान भर के, उन किस्म के तमाम जानवर जो है बिक जाए, कुर्बानी हो जाए, और इनका भला हो, हमारा भला हो। साहब, कुछ नेगेटिव सी बातें थी कि बड़ा रास्ता ख़राब है, आपको कितने डाकुओं ने लूटा, कितने लोगों ने आपको रास्ते में रोका, आप पुरमन तरीके से पहुंच गए या रास्ते में डाकू मिले आपको? देखिए, इस्लाम कहता है कि तुम जब घर से निकलो तो बिस्मिल्लाह तवक्कल को अल्लाह पढ़ के निकलो और आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलो। हमें भी डराया गया था, लेकिन हमने आयतुल कुर्सी पढ़ ली थी तो हमको इतना था कि हमें अल्लाह ताला खैर से पहुँचा देगा। लेकिन ये तो सहारा है ना आयतुल कुर्सी, क्यों ना इसको फॉलो करें? लोग डरा रहे हैं, हमें भी डराया गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हमने भी जो है सोचा कि नहीं, अब अगर हम डरते रहेंगे तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता पुरअमन था, अल्लाह करे पुरअमन रहेगा। लेकिन मुझे इस मरतबा ये लगता है कि लोग दिन में ज़्यादा जानवर खरीदने के लिए आएंगे इंशाल्लाह ताला, और ये भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, ये आएंगे रात से। सही कह रहे हैं आप, फजर से 7 बजे तक सुबह ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है। जी हाँ जी हाँ, फजर की नमाज़ के बाद लोग रुख करते हैं और 7 बजे तक खरीद के चले भी जाते हैं। जी, ये होगा, इस मरतबा होगा, और फिर आइंदा सालों में मामला दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, इतने लाखों लाख जानवर कहाँ रखे जाते हैं? इसीलिए ये 700 एकड़ ज़मीन खरीदी गई ली गई है ताकि जानवरों को बाकायदा जगह भी मिल जाए, लेने वाले खुश हो, बेचने वाले खुश हो, ले जाने वाले खुश हो, सवाल बहुत हो जाएंगे सर। हम इस वक्त काजिस फार्म में आए हुए हैं, कैटल फार्म में आए हुए हैं। मैंने माशाल्लाह इनके मुरब्बी जो हैं बच्चों के, इनसे बात की कि ये तो बेल तो नहीं है, माशाल्लाह तो हाथी है। अल्लाह ताला इनको जो है कुर्बानी के लिए कबूल फरमाए, और माशाल्लाह अल्लाह ताला की वजह से पाकिस्तान में एक तसर बन गया है कि अब वो जानवरों को कई सालों तक पाल कर जो है माशाल्लाह कुर्बानी के लायक किया जाता है। अगर मैं चाहूँगा कि लोग आकर देखें कि ये कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम है, इसे देख कर ये ज़बान पर अल्फाज आता है कि तबारक अल्लाह आसरुल खालिकीन, कितनी बरकत वाला है परवरदिगार जिसने ऐसी मखलूक को पैदा फरमाया है। और इस समय अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने जाएंगे, ये सुन्नत इब्राहिमी की एक तसव्वुर है जो क़यामत तक कायम रहेगा, और ख़ास करके इस दौर में जब इंतहाई क़यामत खेज महंगाई है, तो जो बेचारे गोश्त पूरा साल खरीद ताकत भी रखते हैं तो बकराईद का इंतज़ार करते हैं कि बकराईद आएगी तो इंशाअल्लाह ताला जो है हमें गोश्त मिलेगा। फिर गरीब क्या करता है कि गोश्त अगर ज़्यादा मिल जाता है तो उसको अपनी रस्सियों पर सुखा देता है,
तो कई महीनों का इस्तेमाल करता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे फॉर्म में आए कि देख कर दिल बड़ा बाग बाग हुआ। इनके मुरब्बी मौजूद हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दे, और या अल्लाह या रहमान या रहीम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हमें इखलास अता फरमा दे, बरकती अता फरमा दे। और जैसा कि तेरे दीन ने बताया है कि ये जानवर हमारे लिए क़यामत के रोज़ हमारे कुल सरात पर सवारियाँ बनेंगे, तो या अल्लाह वाकई हमारे लिए सवारियाँ बना दें। और जो जो इसमें खैर के कामों में आगे बढ़े हुए हैं इनकी मदद फरमा, जो जो जानवर कुर्बानी के लिए आए हैं वो फरोख्त भी हो जाए और इनका गोश्त भी लोगों तक पहुँचे, इनका तमाम मामला आगे हो जाए। ना मोहम्मद किताब एक सवाल का मैं करना चाहूँगा इनके बुल फाइटिंग वाला नवाज कौन सा बोलो फाइटर बोलो यहाँ से एक बंदा केटू बोलो इसको ये तो